जनता में बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है, क्रेज है, क्योंकि संजय लीला भंसाली साहब आफ्टर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम भाईजान सलमान खान के साथ आ रहे हैं और इस फिल्म के अंदर आलिया भट्ट हमें नजर आएंगी भाईजान सलमान खान के साथ। कैरेक्टर क्या होगा, कैसा होगा, हमें बिल्कुल भी नहीं पता है। क्या पता मेकअप करके उनको, भाईजान सलमान खान को प्रोस्थेटिक इस्तेमाल करके यंग दिखाया जाए वगैरह वगैरह, हो सकता है ऐसा हो या फिर कुछ और हो, कोई बहन हो या बेटी हो, समथिंग लाइक दैट। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं कि जैसी ही ये न्यूज सामने आती है तब KRK ने इस पर चुटकी लेते हुए एक ट्वीट किया। आइए पहले वो ट्वीट आपको पढ़ के बताता हूँ। KRK साहब ने कहा है, आलिया भट्ट हु इज द गर्लफ्रेंड ऑफ रणबीर कपूर इज द हीरोइन ऑफ सलमान खान इन #, इंशाअल्लाह। सो इज इट द ब्रेकअप टाइम फॉर रणबीर एंड आलिया और इट इज रिवेंज टाइम फॉर सलमान खान? प्लीज नोट, रणबीर कपूर इज द ओनली रीजन दैट टुडे कैटरीना इज नॉट द वाइफ ऑफ सलमान खान। सो दोस्तों, इस अगर मैं ट्वीट की बात करूं तो जितने भी सलमान खान हेटर्स हैं उन्होंने इसे भर भर कर ट्वीट किया है, KRK को सपोर्ट किया है। बट अगर आप मेरी राय पूछेंगे तो यार इतनी ज्यादा नेगेटिविटी क्यों? क्यों ज्यादा इतनी ज्यादा नेगेटिविटी हो रही है? हॉलीवुड में भी हमने देखा है, अगर हीरो थोड़ा सा उम्र में बड़ा होता है तो छोटी हीरोइन अगर होती है तो वो स्टोरी इस तरीके से आती है कि कहीं ना कहीं चीजों को मतलब प्रोफेशनल तरीके से हैंडल किया जाता है। एंड आफ्टर ऑल दे आर एक्टर्स, उनको पैसा मिल रहा है वो काम करने के लिए, वो उनकी जॉब है। अब सलमान भाई आलिया भट्ट के साथ आए, कैटरीना के साथ आए, कंगना के साथ आए, दीपिका के साथ आए, ये तो डायरेक्टर ही सोचेगा। इस बात पर इतनी ज्यादा नेगेटिविटी क्यों, मुझे तो समझ में नहीं आती। आपको क्या लगता है दोस्तों इस बात को लेकर, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं क्या कहना चाहते हैं आप, आपकी क्या है राय। प्लस पॉजिटिविटी के साथ ये बता दें कि इंशाल्लाह के लिए कितने एक्साइटेड हैं, कमेंट सेक्शन आपका है जरूर बताना। बने रहो मेरे साथ क्योंकि मैं राहुल भोज पल पल की अपडेट्स करूंगा।